नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। इस न्यूज कैप्सूल में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ी खबर सतना से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह को उनके समर्थकों सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह चित्रकूट में पिछले दिनों दो जुड़वा मासूमों के अपहरण और हत्या के विरोध में रविवार को पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने एसपी के निलंबन की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी बंगले का घेराव धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शन को बढ़ता देख पुलिस ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह समेत आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने ले गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि चित्रकूट में ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जिसको सुनकर आम लोगों की रूह कांप उठती है। श्री सिंह ने कहा कि ब्रजेश रावत के दो जुड़वा बेटों को तलाशने के लिए पुलिस प्रशासन चित्रकूट परिक्षेत्र में नाकाबंदी और पूरे पुलिस को जंगलों में तलाश में लगा दिया, बावजूद इसके पुलिस अगवा बच्चों को तलाश नहीं पाई। इससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोई समन्वय नहीं था। मध्य प्रदेश पुलिस की घोर लापरवाही थी और पुलिस अधिकारियों के पेशेवर और प्रशिक्षित अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं हुआ, जो कांग्रेस जनों और आम जनता की समझ से घोर आपराधिक लापरवाही है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर को तत्काल निलंबित करने की मांग की। इसके अलावा आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी जो इस व्यवस्था में मार्गदर्शन दे रहे थे उन्हें तत्काल यहाँ से हटाए जाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही रघुराज नगर SDM PS त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि चित्रकूट में पिछले दिनों श्रेयांश और प्रियांश जुड़वा भाइयों का अपहरण और जघन्य हत्या घटित हुई थी। पुलिस के इस आपराधिक लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संदेश के रूप में कहा कि विगत 15 वर्षों से भाजपा शासनकाल में प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र की दुर्दशा, किसानों की आत्महत्याएं, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्याएं और ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इन सब को सुधारने और अंकुश लगाने के लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सतना के कांग्रेस जनों को बड़े दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके सपनों और निर्णय के अनुरूप तत्वित न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सतना जिले के उच्च अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार की खुमारी से उबर नहीं पा रहे हैं। विशेषकर पुलिस व्यवस्था में सुधार की बनाई परिस्थितियां और भी खराब होती जा रही है। पुलिस प्रशासन में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और अपने कार्य में पूर्ण रूप से लापरवाही बरती जा रही है। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह और उनके समर्थकों को प्रक्रिया पूरी कराकर प्रशासन द्वारा रिहा कर दिया गया। चित्रकूट जैसी घटनाएं, दो अबोध बच्चे, उनका अपहरण होना, फिरौती दे दी जाना, उसके बाद भी 100 मीटर की दूरी पर उनके घर से पुलिस स्टेशन से 4 दिन बच्चों का रहना और उसके बाद उसके उनकी घेराबंदी तोड़कर बच्चों को निकाल ले जाना और फिर उनकी वहां हत्या कर देना, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और अपने आप में एक ऐसी अकेली घटना है जो हमारे जिले में, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ सतना जिले में, ये पहली ऐसी घटना। दादा भाई, सरकार में तो बनाया घोषणा पत्र का अध्यक्ष ही मैं हूँ, उसमें तमाम चीज़ें दी हैं, सुशासन की चीज़ें दी हैं, लेकिन ये पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोग। ये पता नहीं किस नशे में सब छूर हैं। ये जो पुरानी व्यवस्था थी 15 साल की शिवराज सिंह जी की, उसकी अभी खुमारी है। ये खुमारी नहीं उतर रही इन लोगों, ये खुमारी उतारना जरूरी है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन जांच की मांग करना चाहते हैं। ये CBI जांच की मांग अब क्या होनी है, हमारी पुलिस सक्षम है करने के लिए? और CBI की तो हालत तो आपने देखी कि नहीं देखी? कल ही सुन लीजिए, सब सक्षम नहीं है। CBI और ED को तो आपने पिछले दिनों उसको उपमा भी दे दी किसी। हाँ हाँ है, पालतू हैं वो, जहाँ वो कह देते हैं वहाँ छू हो जाते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। CBI का DG दूसरे DG से लड़ता है, ADG से लड़ता है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं। अभी CBI का इंस्पेक्टर राजस्थान में 90 लाख लेता हुआ इंस्पेक्टर एक केस में, लोग कहते हैं CBI को दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ अपनी पुलिस सक्षम है, अच्छे अधिकारी है, कुछ उसमें अपवाद भी, अच्छे अधिकारी भी हैं, ट्रेंड पुलिस है मध्य प्रदेश की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बदनाम करते हैं, उनको निकाल बाहर करना चाहिए, उनको लूप लाइन में डालना चाहिए। ऐसे लोगों में सत्ता है, स्वाभाविक तब ना हम यहाँ रोड में खड़े हुए हैं। दादा भाई, ये जो जानकारी आ रही है, और बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, हमको अपने सरकार से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा सत्ता की जनता के लिए, अगर लड़ना पड़ेगा किसी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। इस न्यूज कैप्सूल में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ।
और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नमस्कार।